फरीदाबाद में इन दिनों बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि बदमाश दिन दहाड़े भी वारदात को अंजाम देने में नहीं चूक रहे हैं। हद तो तब हो गई जब फरीदाबाद के चंदावली गांव से सरपंच अंजू यादव के पिता गिरिराज यादव पर सोते हुए 4 से 7 हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, हथियारबंद बदमाशों ने सरपंच के पिता के साथ घर में काम कर रहे नौकर और मालिक के साथ भी जमकर मारपीट की। मारपीट का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। कुछ भी मामला नहीं था, हम लोग उनको जानते भी नहीं है कौन है। एकदम से यहाँ से पार्क में से गई है, सीधे मेरे पापा फादर पीछे खोए हुए थे और एकदम से वो भाई थे जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं और जो हमारे यहाँ पे बैठे रहते हैं, आए और एकदम से मारने लगे। वाइपर तोड़ा है और सर्वर फोड़ दिए सबके और सब चीजें गिर दिए, डंडे वंडे बजाए हैं। पता नहीं कौन थे, कितने लोग थे, देखा था आपने? 4-5 लोग थे, कैमरों में देखा हमने। पता नहीं लोगों में भय नहीं है क्या, प्रशासन इतनी नजदीक है फिर भी ऐसे कैसे कर सकते हैं? उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए मुझे। एकदम शोर हुआ, धै बराबर होना तो मेरे को भी, मेरे नौकर जो रहता है यहाँ रामू जो है उसको भी, अरे ये था और भी जो भी आए उनको सबको धै बराबर लठ मारने शुरू कर दिया। उन पे तलवार भी थी, डंडे थे। कितने लोग थे ये? 10-12 लड़के थे। कहाँ के हैं? ये अभी कुछ बताया नहीं उनने, मैंने उनको बताया भी था भाई गांव का सरपंच हो, क्या कर रहे हो तो मेरे घर में क्या कर रहे हो? घर में अंदर बढ़ गए, पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। आप देखिए घर में जाकर मेरे साथ देखिए, ये खुद देखिए, मैं यही तो अचंभे में, जब मैं ये सुरक्षित नहीं है गाँव का सरपंच होने के नाते, इस गाँव में और कौन सुरक्षित रहेगा? उन्होंने तो इस तरह वारदात करी कि जैसे गाँव ही नहीं है, यहाँ कोई रहता ही नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ थाने, जा रहा हूँ SHO साहब से अपनी सारी बातें बताऊंगा और SHO साहब यहाँ है भी मौके पे खड़े हैं, गिरफ्तारी करवाएंगे उनकी। वही सदर थाना प्रभारी ने बताया कि सरपंच के घर पे हुई मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है। शिकायत के बाद तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। कोई चौकीदार था उससे उनकी किसी बात को लेकर पार्क में हुई बता रहे हैं। चौकीदार इनके पास मदद के लिए आ गए, वे चौकीदार के पीछे आए थे जैसे बता रहे हैं अभी मौखिक, और उन्होंने आके सरपंच साहब के साथ मारपीट करी है और अब कंप्लेंट सरपंच साहब दे रहे हैं। जैसी कंप्लेंट देंगे मुकदमा दर्ज करके शीघ्र कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये तो जांच में जैसी होगी कार्रवाई शीघ्र अमल में लाएंगे, होना तो चाहिए। क्या पता चलेगा ना किस किस्म के व्यक्ति हैं, किस बात पे हुई है। फिलहाल आगामी कार्रवाई क्या पुलिस की ओर से की जाएगी? इसमें जो शिकायत देंगे सरपंच साहब शीघ्र उस पर अभियोग दर्ज करके आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि सरपंच अंजू यादव के घर के बाहर किस तरह बदमाश मारपीट कर रहे हैं। मारपीट देखकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। बहरहाल पुलिस अभी तक हमला करने वाले बदमाशों की पहचान नहीं कर पाई है और ये भी पता नहीं चल पाया है कि वारदात किस कारण की गई थी। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले ली है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।